बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब फजल ताला हैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब एंड आई एम अ लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। आज के इस लेक्चर में जो सी लैंग्वेज की हमने सीरीज शुरू की है ICS पार्ट टू में, उसमें जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 9। लास्ट हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 8 पे था। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि सेकेंड ईयर का जो कोर्स है कंप्यूटर साइंस का, इसमें हर लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर के साथ लिंक्ड है। तो चैप्टर नंबर 9 को समझने के लिए आपको चैप्टर 8 आना चाहिए, जिसमें हमने सी लैंग्वेज का ओवरव्यू पढ़ा, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा, सी का स्ट्रक्चर पढ़ा, जितनी भी डिटेल पढ़ी चैप्टर नंबर 8 तक वो आपको आनी चाहिए, फिर इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, वरना मुकम्मल इसकी 100% इस चैप्टर की समझ नहीं आएगी। तो जितनी भी लेक्चर सीरीज है उसकी मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है। आप चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर देखेंगे तो वहाँ पे सी लैंग्वेज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें तमाम लेक्चर एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। आप उनको एक एक करके अटेंड करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने वो अगर पिछले लेक्चर समझे हुए हैं तो फिर आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि वाकई हर लेक्चर पिछले लेक्चर से मुंसलिक है, एक दूसरे के साथ लेक्चर्स लिंक हैं। अगले लेक्चर की समझ नहीं आ सकती अगर पिछला आपने नहीं सही तरह से पढ़ा हुआ तो। इसके अलावा नोट्स और गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो टीचर्स देख रहे हैं उनके लिए बने बने टेस्ट वगैरह अवेलेबल है, जो भी स्टडी मटीरियल है वो अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 पे, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी। आज जो हमने लेक्चर पढ़ना है वो आइडेंटिफायर्स पे पढ़ना है कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सी से क्या मुराद है। एलिमेंट ऑफ सी से मुराद है जो हमारे प्रोग्राम में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स, जो अज्जा, एलिमेंट्स कहते हैं अज्जा को, पार्ट्स को, हिस्सों को, जो अज्जा मिलके हमारा एक सी प्रोग्राम मुकम्मल करते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो भी प्रोग्राम के अंदर हमने चीजें इस्तेमाल की हैं, जैसे चैप्टर 8 में हमने हेडर फाइल्स पढ़ी थी, हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पढ़ी थी, डेलिमीटर्स, सेमीकोलन यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इस तरह से डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, जो कुछ हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं वो उस प्रोग्राम के अज्जा हैं, उसके एलिमेंट्स हैं जो मिलके प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, इसलिए इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी प्रोग्राम कहा जाता है, इन एलिमेंट्स का। तो इस पूरे चैप्टर में हमने सी में इस्तेमाल होने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो पढ़ने हैं। हमें जब एलिमेंट्स का पता होगा तो हम प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो एलिमेंट्स को समझना जरूरी है। तो इन एलिमेंट्स में सबसे पहली जो चीज हमने पढ़नी है वो है आइडेंटिफायर्स। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, नहायत ही आसान है, बनता नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन वैसे, लेकिन ये आया हुआ है। और ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए जो कि होता है शॉर्ट है लेकिन लॉन्ग आ जाए तो वो बोनस होता है, आसान सा होता है, लिखना भी इतना ज्यादा नहीं पड़ता और उसके नंबर भी ज्यादा मिल जाते हैं। तो आइडेंटिफायर्स जो है ये क्या है पहले ये समझते हैं, फिर इसकी टाइप्स देखेंगे। इसमें एमसीक्यू भी आते हैं और एंट्री टेस्ट में, ई कैट में भी इसमें से एमसीक्यूज एक दो आ चुके हैं। आइडेंटिफायर्स क्या है? कोई भी चीज जो हमने प्रोग्राम में लिखी है, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में कोई भी चीज हमने लिखी है, वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, वो किसी ना किसी चीज का नाम है, चाहे वो किसी फंक्शन का नाम हो, चाहे वो किसी स्टेटमेंट का नाम हो, चाहे वो किसी फाइल का नाम हो, चाहे वो किसी वेरिएबल का नाम हो, चाहे वो किसी कॉन्स्टेंट का नाम हो, किसी भी चीज का नाम जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आइडेंटिफायर कहलाता है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, तो वो उसकी पहचान करवा रहा है। ठीक है, किसी भी चीज का नाम, जैसे मेरा नाम है ये मुझे आइडेंटिफाई करवा रहा है, कहीं पे मेरा नाम लिया जाएगा तो पता लगेगा अच्छा वो वाला बंदा, अगर वो जानता होगा तो। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स भी क्या है, किसी भी एलिमेंट का नाम, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में जो चीजें लिखी हुई हैं उनका नाम, यानी कि नेम ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, स्टेटमेंट्स, फाइल्स एटसेट्रा विच रिप्रेजेंट्स एनीथिंग, जो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज का नाम जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आइडेंटिफायर्स हैं। इसकी एग्जांपल ये है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज इक्वल्स टू टू, ये टू क्या है, ए क्या है, और ये जो इक्वल क्या है, ये क्या है, ये तीनों किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल को, आगे हम वेरिएबल डिटेल से पढ़ेंगे। टू रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू को, और इक्वल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपरेटर को, ये एक ऑपरेटर है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमने एस टी डी आई ओ डॉट एच, ये एक फाइल का नाम पड़ा था, हेडर फाइल का। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नाम है किसका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेडर फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम प्रोग्राम में लिखेंगे तो कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये तो वेरिएबल है या ये ऑपरेटर है, ये ना तो वेरिएबल ना ऑपरेटर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हेडर फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका नाम है। ये जो डॉट एच है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक्सटेंशन को, किसके एक्सटेंशन को, हेडर फाइल की एक्सटेंशन को, ये मैंने पढ़ाया हुआ आपको चैप्टर 8 में। तो ये आइडेंटिफायर है, ये भी आइडेंटिफायर है, ये भी आइडेंटिफायर है, ये भी आइडेंटिफायर है। तो जो कुछ सी लैंग्वेज में यूज हो रहा है, जो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आइडेंटिफायर है, लेकिन शर्त ये कि वैलिड हो,
अपने से कोई ऐसी चीज नहीं लिख देनी जो किसी को रिप्रेजेंट ही ना कर रही हो और हम कहें जी कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद से नहीं आपने अज्यूम करना, ठीक है? जो बताए गए हैं जो रूल उनके मुताबिक हमने काम करना है, अकॉर्डिंग टू द रूल हो, लेकिन वो किसी ना किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहा हो, उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक हो गया? अब आइडेंटिफायर्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जो लैंग्वेज में पहले से बना दिए गए, यानी जिस बंदे ने लैंग्वेज बनाई, यानी सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने बनाया, डेनिस रिची ने कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं, कुछ ऐसे नेम्स हैं जो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसने बना के लैंग्वेज में सेव कर दी। हम लोग सीखते हैं कि अच्छा इस काम के लिए ये इस्तेमाल करना, जैसे इसको हमने सीखा, ठीक है, इक्वल का ऑपरेटर वैल्यू साइन करने के लिए हमने सीखा, आगे हम पढ़ेंगे भी, या ये हमने पढ़ा, हमने अपनी मर्जी से नहीं ये नाम रखा, ये उसने बताया था तो हमने रखा, हमने अपनी मर्जी से एक्सटेंशन नहीं रखी, जिसने लैंग्वेज बनाई है उसने एक्सटेंशन इसकी लगाई है। तो जो आइडेंटिफायर्स लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड हैं, जिनका मीनिंग पहले से बता दिया गया कि ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा जब आप इस्तेमाल करोगे, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा जब आप प्रोग्राम लिखोगे, तो वो क्या है? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स जो है इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब इनमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का नाम है, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये डॉट भी एक कैरेक्टर है, तो टोटल इसके अंदर 7 कैरेक्टर्स हैं। तो वो कहता है EMCQ में आपने याद रखना है कि आइडेंटिफायर जो है उनमें पहले 31 कैरेक्टर्स जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब आपने कोई ऐसा आइडेंटिफायर बनाया या कोई ऐसा आइडेंटिफायर लिखा जो 31 करेक्टर से एक्सीड कर गया, उसकी जो लेंथ है वो 31 करेक्टर से बढ़ गई, तो हमारा जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, जो हमारा ट्रांसलेटर है, वो सिर्फ फर्स्ट 31 करेक्टर्स को ही कंसिडर करेगा। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि वो पहले 31 को ही कंसिडर करता है, वैसे इसका उर्दू मायने होता है माइनी हेज, यानी कोई चीज जो उसके समझ में आ रही, बाद वाली चीजों को वो देख ही नहीं रहा। अगर कोई ऐसा मैंने आइडेंटिफायर लिखा जिसकी लेंथ जो है 31 करेक्टर से ज्यादा है, फर्ज करते हैं 35 है, तो वो 31 करेक्टर को कंसिडर करेगा, जो बाकी 4 करेक्टर्स हैं वो कंसिडर ही नहीं करेगा, लिखे जाएंगे वहां पे लेकिन वो उनको कंसिडर नहीं करेगा, तो उसके लिए पहले 31 करेक्टर्स जो हैं वही सिग्निफिकेंट हैं। वैसे इतना बड़ा आइडेंटिफायर होता नहीं है, लेकिन एक लिमिट आपने याद रखनी है, हर चीज की कोई ना कोई लिमिट होती है ना, तो इसलिए उसने लिमिट बता दी हुई है, तो आपने लिमिट याद रखनी है MCQ के हवाले से। हमें इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है तब भी आपने मेंशन करनी है, इस तरह की चीजें मेंशन करने से क्वेश्चन हमारा स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, नंबर मिल जाते हैं हमें। अच्छा, तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स क्या है? ऐसे आइडेंटिफायर जो लैंग्वेज बनाने वाले ने पहले से डिफाइन कर दिए लैंग्वेज के अंदर, और इनकी जो लिमिट है नेम की वो 31 करेक्टर्स तक होनी चाहिए, ये 31 करेक्टर्स सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है? जैसे कि stdio.h इसकी एग्जांपल है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, क्योंकि ये पहले से डिफाइंड है लैंग्वेज में, पहले से हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाई, पहले से डिफाइंड है। इसी तरह से और भी आइडेंटिफायर्स है, जैसे कि एक हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे printf की, printf ये भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। इसी तरह से मेन, ये हमने मेन फंक्शन का नाम पढ़ा था मेन, ये भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। इसी तरह से void, ये भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। void रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न टाइप को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेडर फाइल को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। void रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न टाइप को, ठीक है, और ये कर रहा है किसी फंक्शन को, ये भी फंक्शन को, और ये हेडर फाइल, किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। और हमने नहीं कहा कि ये नाम इनके रखो, ये लैंग्वेज बनाने वाले ने पहले से डिफाइंड किए, इसका मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स है। एक आखिरी बात इसमें जो आपने याद रखनी है कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कैन बी रीडिफाइंड, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कैन बी रीडिफाइंड। रीडिफाइंड का क्या मतलब है कि एक दफा उसने डिफाइन कर दिया कि भाई प्रिंट एफ का ये काम है, वर्ड का ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, एक दफा उसने डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर हम चाहें, यानी यूजर चाहे, मतलब प्रोग्रामर, हम लोग प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्रामर अगर चाहे तो इनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इनको एक दफा डिफाइन कर देगा कि इनका ये काम होना चाहिए, तो फिर इनका जो पहला काम जो लैंग्वेज बनाने वाले ने बताया था वो खत्म हो जाएगा। अब जब इनको मैं लिखूंगा तो वो जो मैंने ही काम बताया हुआ है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये जो नाम है प्रिंट एफ,
इसका कोई और काम होना चाहिए। तो मुझे सहूलत दी गई है वो तरीकाकार उसने बताया कैसे डिफाइन करना है, चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे और हम अपनी मर्जी से उनको डिफाइन कर देंगे। अब जब मैं प्रिंट एफ लिखूंगा तो कौन सा काम होगा जो मैंने डिफाइन किया, वो नहीं होगा जो लैंग्वेज बनाने वाले ने डिफाइन किया। सो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कैन बी रीडिफाइंड, हम इनको दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं। हाउएवर दिस प्रैक्टिस इज नॉट रिकमेंडेड, ये प्रैक्टिस रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा करना नहीं है, ना ही हम लोग करते हैं ना ही करेंगे, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये एमसीक्यू है, आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कैन बी रीडिफाइन, इनको रीडिफाइन कर सकते हैं। और जब हम रीडिफाइन कर लेंगे तो फिर वो काम होगा जो हमने डिफाइन किया, वो नहीं होगा जो लैंग्वेज बनाने वाले ने किया और हमारे कंप्यूटर में होगा, ठीक है, क्योंकि हमने अपने कंप्यूटर में डिफाइन किया। एक दफा एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि हम ये कर देंगे, इसका काम बता देंगे, तो क्या दुनिया में जितने सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उनके लिए चेंज हो जाएगा? तो भाई ऐसा नहीं होगा, हमारे कंप्यूटर में ही सिर्फ चेंज होगा, हमारे लिए चेंज होगा, ठीक है, वो उनके लिए वही काम है जो उनका था, वो करेंगे अपनी मर्जी से तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। दूसरे नंबर पे आते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अब नाम से पता लग रहा है ये वो आइडेंटिफायर्स हैं जो लैंग्वेज बनाने वाले नहीं डिफाइन किए, जो बंदा प्रोग्राम लिख रहा है, जो प्रोग्रामर है, वो अपनी मर्जी से डिफाइन करता है इनको, ठीक है। सहूलत दी गई है, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका नाम उसने डिफाइन नहीं किया, मतलब उनको आइडेंटिफाइड नहीं बनाया, उसने कहा कि इसका नाम अपनी मर्जी से आप लोग रख लेना, उसने हमें सहूलत दी कि इसका नाम अपनी मर्जी से रख लेना, रूल बता दिए कि ये रूल आपने फॉलो करने हैं, इन रूल्स के खिलाफ वर्जी नहीं करनी, बाकी अपनी मर्जी से कोई भी रख लो। तो वो जो हम लिखेंगे वो हमारी मर्जी से है, वो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने यहाँ लिखा ए इज इक्वल टू टू, अब ये जो मैंने वेरिएबल लिखा ए, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा, उसने नहीं कहा कि ए लिखना है। मैं बी इज इक्वल टू टू भी लिख सकता था, ए बी सी इज इक्वल टू टू भी लिख सकता था, वेरिएबल का नाम कोई भी हो सकता है। वो कुछ रूल्स हैं वो हम वेरिएबल्स वाले टॉपिक में आगे मेंशन है, वो हम पढ़ेंगे कि ए बी सी जो है ये नाम वेरिएबल का है, ये उसने तो नहीं बताया ए बी सी रखो, एक्स वाई जी रख लो, एक्स रख लो, जी रख लो, सी रख लो, डी रख लो, कोई भी नाम अपने नाम पे रख लो, वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये पहले से डिफाइंड तो नहीं है, तो हमने डिफाइन किया ना, तो ऐसे है, ये भी तो आइडेंटिफायर है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसका नाम है, वेरिएबल का नाम है, लेकिन उसने नहीं बताया जिसने लैंग्वेज बनाई, हम लोगों ने खुद डिफाइन किया। तो ऐसे जो आइडेंटिफायर्स हैं वो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं, जो प्रोग्रामर अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकता है। प्रोग्राम में लैंग्वेज में सहूलत दी गई है कि आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल्स, आपने रूल्स को फॉलो करना है, आप उससे कर सकते हो, वेरिएबल का नाम कोई भी लिख सकते हो, उसने तो नहीं कहा ए बी सी लिखो, उसने कहा कि ये रूल्स हैं और आप उससे लिख सकते हो। तो ये क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स होते हैं। इसके अलावा आखिरी बात जो इस लेक्चर में आपने याद रखनी है वो ये है कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये आपने याद रखना है, आगे हम पढ़ेंगे तो ये जो है ना इसकी खासियत आपने याद रखनी है कि ये एक केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मुराद है कि इस लैंग्वेज में अपर केस और लोअर केस लेटर्स में फर्क किया जाता है, ये लैंग्वेज सेंस करती है कि कौन सा लेटर अपर केस है, कौन सा लेटर जो है वो लोअर केस है, यानी कैप्स को और लोअर केस लेटर्स को आपस में डिफरेंशिएट कर लेती है। जैसे कि मैंने अगर लिखा ए इज इक्वल्स टू टू, बी इज इक्वल्स टू थ्री, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, अब क्या है, मैंने कहा जी ए को वैल्यू टू दे दो, बी को वैल्यू दे दो थ्री, और सी को दे दो ए प्लस बी, यानी ए में बी की वैल्यू प्लस करो और किसको दे दो, सी को दे दो, ये एरर है, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने वैल्यू दिया कैपिटल ए को और प्लस मैं कर रहा हूँ स्मॉल ए, उसके लिए कैपिटल ए और चीज है, स्मॉल ए और चीज है, या तो यहां पर भी स्मॉल ए करो या इसको कैपिटल ए कर दो, मतलब दोनों सेम होने चाहिए, तो ऐसा नहीं हम कर सकते। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी थी जो केस सेंसिटिव नहीं है, जैसे 10th क्लास में बेसिक लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी हो, उस पर भी लेक्चर मैंने बनाए, चैनल पे मौजूद है, वो केस सेंसिटिव नहीं है, उस पर आप कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा भी इशू है, आपने बहुत एहतियात करनी है कि कहाँ पे कैपिटल लिखना है, कहाँ पे स्मॉल लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने देखे मेन लिखा तो एम जो है इसका मैंने बड़ा नहीं लिखा, क्योंकि बड़ा लिखता तो गलत हो जाना था, इसी तरह से void का भी आपने छोटा लिखना है, stdio.h का s छोटा लिखना है आपने, printf का p छोटा लिखना है, कैपिटल करोगे गलत हो जाएगा। तो रूल है सी लैंग्वेज का कि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये अपर केस और लोअर केस लेटर्स को सेंस करती है, इसके लिए दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, बहुत ही आपने एहतियात करनी है, ठीक है। मैं एक एमसीक्यू आपसे पूछता हूँ, आपने उसका मुझे जवाब देना है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है एमसीक्यू,
इसको रीड करें और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें, जिससे पता लगेगा आज का लेक्चर आपको कितना समझ आया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।